वेलकम टू अजमेर रसोई। आज मैं बनाऊंगी सोहन पपड़ी। आज हम बनाएंगे मैदे की सोहन पपड़ी। बेसन की सोहन पपड़ी की वीडियो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। ये बिल्कुल हल्दीराम जैसी बनेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम लेंगे आधा कप घी। अब मैं इसमें डालूंगी एक कप मैदा। हम मैदा को इस घी में सेकेंगे। मैदा का लिक्विड ऐसा होना चाहिए। अगर आपके घी कम पड़े तो इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर लें। मैदा का कलर हल्का ब्राउन हो चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम शुगर सिरप तैयार करेंगे। सबसे पहले हम एक बर्तन में एक कप शुगर लेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। हमें इतना ही पानी डालना है जिसमें शुगर डूब जाए। हम शुगर घुलने तक इसे पकाएंगे। शुगर घुल चुकी है, हमें इसे लाल होने तक पकाना है। मैंने फ्लेम को फुल ही रखा है। शुगर गाढ़ी होने लग गई है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा फैलाते हुए इस तरह से घी डालेंगे। हमें इसे इस तरह से हिलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से जल सकती है। हमें शुगर के हल्के लाल होने का वेट करना है। देखिए शुगर सिरप का कलर लाल होने लग गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। मैंने एक बर्तन की घी लगा लिया है। अब मैं जल्दी से इसमें शुगर सिरप को डालूंगी। हमें शुगर सिरप को इस तरह से हिलाते हुए ठंडा करना है। ये चिपकने लग गई है और मैं चम्मच से इस तरह से इसे इकट्ठा कर लूंगी और दूसरे बर्तन में डाल लूंगी। मैंने इस बर्तन के भी घी लगा लिया है। अब मैं इसे इसमें डालूंगी। ये अभी भी गर्म है, हम इसे इस तरह से और ठंडा कर लेंगे। अब हमें इसे खींचना है, इसलिए हम इसे दूसरे बर्तन में डालेंगे। अब मैं अपने हाथों की घी लगा लूंगी। ये अभी भी बहुत गर्म है, मैं इसे इस तरह से करती रहूंगी। अब ये थोड़ी ठंडी हो गई है, अब हम इसे खींचेंगे। हमें इसे इस तरह से खींचना है। ये थोड़ी सी कड़क होने लग गई है और इसका कलर भी वाइट होने लग गया है। अब हम इसमें हमारी सेकी हुई मैदा को डालेंगे।
मैंने मैदा को फिर से हल्का गरम कर लिया था। हमें इसे मैदा में इस तरह से मिक्स करते हुए खींचना है। देखिए इसे इस तरह से मैदा लगा लगा कर खींचना है। देखिए इसके रेशे बनने लग गए हैं। मैदा का लिक्विड इसमें पूरा मिक्स हो चुका है। मैं इसको थोड़ा और खींचूंगी ताकि इसके रेशे अच्छे से बन जाए। ये पूरी तरह से खिंच चुकी है। अब मैं इसे थोड़ा सा फैला लूंगी। मैंने एक ट्रे के बटर पेपर लगा लिया है। अब मैं ट्रे में इसे सेट कर लूंगी। हम इसे इस तरह से सेट कर लेंगे। मैं इसे हल्के हाथ से थोड़ा दबा लूंगी। हम इसकी पिस्ते से गार्निशिंग कर लेंगे। हम इसे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। ये सेट हो चुकी है। अब हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे। हमारी मैदे की सोन पपड़ी तैयार है। मैं आपको इसका एक पीस निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितनी अच्छी बनी है। और देखिए इसके कितने बढ़िया रेशे बने हैं। हमारी सोन पपड़ी बिल्कुल हल्दीराम जैसी बनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें।